तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नवी मुंबई मेट्रो के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसी और मजेदार वीडियो के लिए। नवी मुंबई मेट्रो की प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन करने का जिम्मा सिडको के ऊपर है, यानी कि सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नवी मुंबई मेट्रो के लिए 3 लाइनों को प्लान किया गया था, जिसमें से एक लाइन पर काम चल रहा है। इस कॉरिडोर की लेंथ होगी 23.40 किलोमीटर। इस मेट्रो का फाउंडेशन स्टोन 1 मई 2011 में रखा गया था। उसके 10 साल में भी अभी तक ये लाइन ऑपरेशनल नहीं हुई है। इस प्रोजेक्ट को 2020 तक पूरा हो जाना चाहिए था, अब इसकी डेडलाइन है 2022। इस मेट्रो में 20 स्टेशन होंगे। ये स्ट्रेच पूरी तरीके से एलिवेटेड होगा। इस मेट्रो में 3 कोचों वाली ट्रेन चलेगी। नवी मुंबई मेट्रो के मौजूदा स्थिति की बात करें, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन बोले तो RDSO द्वारा इस मेट्रो लाइन पर ट्रायल रन हो चुका है, खरगर मेट्रो स्टेशन से लेकर CBD बेलापुर मेट्रो स्टेशन तक। अभी ओसिलेशन ट्रायल और इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम ट्रायल शुरू हो चुका है, जो मध्य सितंबर तक पूर्ण कर लिया जाएगा, जिससे लोगों की सेफ्टी और राइडिंग क्वालिटी इंक्रीज हो सके। फाइनली अब जाकर हम इस मेट्रो को खुलते हुए देख सकते हैं। आपके इस वीडियो के बारे में क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।